आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और शिलान्यास किया गया और 1500 फ्लाइंग ओवर और अंडर ब्रिज का भी आज शिलान्यास और लोकार्पण है। उसी तारतम्य में उज्जैन रेलवे स्टेशन का भी 421 करोड़ का प्रथम चरण का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को आज माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा 4 सौगातें दी गई। एक उज्जैन में 421 करोड़ का प्रथम चरण का रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। 19 करोड़ का नागदा का रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का करा गया। 37 करोड़ का जो है रुपेटा ओवरब्रिज का 37 करोड़ का है और खाचरोद का 20 करोड़ का लगभग की लागत से रेलवे स्टेशन का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और अन्य हमारे रेल मंत्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार वंदन कि उन्होंने हमको उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता को ये बहुत बड़ी सौगात दी। ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा उज्जैन? इसका 2 साल का कार्यकाल रहेगा जिसमें 2 साल के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। सीएस के पहले ये लोकार्पित हो जाएगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और शिलान्यास किया गया और 1500 फ्लाइंग ओवर और अंडर ब्रिज का भी आज शिलान्यास और लोकार्पण है। उसी तारतम्य में उज्जैन रेलवे स्टेशन का भी 421 करोड़ का प्रथम चरण का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को आज माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा 4 सौगातें दी गई। एक उज्जैन में 421 करोड़ का प्रथम चरण का रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया। 19 करोड़ का नागदा का रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का करा गया। 37 करोड़ का जो है रुपेटा ओवरब्रिज का 37 करोड़ का है और खाचरोद का 20 करोड़ का लगभग की लागत से रेलवे स्टेशन का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को और अन्य हमारे रेल मंत्री जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार वंदन कि उन्होंने हमको उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता को ये बहुत बड़ी सौगात दी। ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा उज्जैन? इसका 2 साल का कार्यकाल रहेगा जिसमें 2 साल के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। सीएस के पहले ये लोकार्पित हो जाएगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और शिलान्यास किया गया और 1500 फ्लाइंग ओवर और अंडर ब्रिज का भी आज शिलान्यास और लोकार्पण है। उसी तारतम्य में उज्जैन रेलवे स्टेशन का भी 421 करोड़ का प्रथम चरण का आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र को आज माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के द्वारा 4 सौगातें दी गई। एक उज्जैन में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।